गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ सेल दैट इज़ न्यूक्लियस ओके इन न्यूक्लियस वी स्टडी द थ्री डिफरेंट फीचर्स मेनली फीचर्स ऑफ न्यूक्लियस देयर पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस एंड देयर मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन मतलब हम लोगों को न्यूक्लियस जो मेन ऑर्गेनल है सेल का वहाँ पे उसके फीचर्स पढ़ने हैं उसके डिफ़रेंट पार्ट्स पढ़ने हैं और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ना है ओके तो हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है वहाँ पे पढ़ लेते हैं सबसे पहले न्यूक्लियस के फीचर्स के बारे में कि वहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं ओके न्यूक्लियस जो होता है वो डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है डेंस तो समझ में आ रहा होगा मतलब उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी मतलब जो उसकी बॉडी होती है उसके अंदर लिक्विड भी फिलअप है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है और डिफरेंट अदर उसके पार्ट्स हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा ये डेंस पार्ट होता है इसके बाद जो न्यूक्लियस होता है इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल अब आखिर ये कैसे सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है क्योंकि इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है और जेनेटिक मटेरियल होने का मतलब होता है डीएनए आरएनए का होना जिसकी वजह से ये दूसरी सारी एक्टिविटी के ऊपर गवर्न करता है नेक्स्ट चीज़ होती है ये जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है तो ऐसा नहीं कि इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही उसके लिक्विड में पड़ा रहता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस का वो अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है लेकिन स्टार्टिंग में वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको कहते हैं क्रोमेटीन नेटवर्क और जब सेल डिवीज़न का टाइम आता है तब वो डेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तब उसको कहा जाता है मेनली क्रोमोजोम और उसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके जेनेटिक मटेरियल ओके नेक्स्ट चीज़ होती है कि इसको कहते हैं ऑटोनस ऑर्गेनेल ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है कि जो जरूरत पड़ने पे स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में नए ऑर्गेनल की सिंथेसिस करवा सके उनको कहा जाता है ऑटोनॉमस ऑर्गेनल न्यूक्लियस जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनके सेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट होता है ठीक लेकिन जो मैच्योर प्लांट सेल होगी वहाँ पे क्योंकि सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल फॉर्म कर जाता है इसलिए जो न्यूक्लियस होता है वो उसकी पेरीफेरी में चला जाता है पेरीफेरी मतलब वो साइड में शिफ्ट हो जाता है ओके अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते हैं स्लाइड में देख लें कि कितने न्यूक्लियस के पार्ट्स होते हैं ओके तो सबसे आउटर में न्यूक्लियस की एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर इनवेलप इन्वेलप मतलब होता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा इन्वेलप का मतलब ही होता है सबसे आउटर स्ट्रक्चर जो अंदर की चीज़ों को कवर करके रखे उसके बाद उसके अंदर लिक्विड होगा उस लिक्विड को कहा जाता है न्यूक्लियो और न्यूक्लियो के अंदर होता है क्रोमेटीन और न्यूक्लियोलस ठीक जो न्यूक्लियस होता है जो उसके अंदर न्यूक्लियोलस भी एक पार्ट होता है जो आर और प्रोटीन कंटेन करता है ओके इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इटरिचिन आर एंड प्रोटीन अब आर क्या होता है आर और डी एक यहाँ पे नाम लिखा हुआ है आर और डी को मिला के कहा जाता है जेनेटिक मटीरियल और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे हेरिडिट्री कैरेक्टर को ट्रांसफ़र कराने के लिए क्यों क्योंकि डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है जीन और जीन को आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको कहा जाता है हेरीडी यूनिट क्योंकि मेनली वही एक रिस्पॉन्सबल होता है किसी भी करेक्टर को ट्रांसफ़र कराने के लिए और जीन के अंदर भी एक स्मॉलर फ्रेगमेंट होता है जिसको कहा जाता है एलील और बेसिकली जैसे हमने कह दिया कि ये हमारी हेयर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है लेकिन हेयर में भी तो कई सारे फीचर्स होते हैं जैसे हेयर की थिकनेस हेयर का कलर हेयर का टेक्सचर, तो ये अलग अलग एलील के पास रहते हैं इसीलिए जीन के अंदर भी एक स्मॉलर चीज़ होती है जिसको एलील कहा जाता है और ये सारे हमारे कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र कराने में हेल्प करवाते हैं ओके अब आर भी लिखा है आर का, का काम क्या होता है जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो सबसे पहले जो आर होता है वो मैसेज को कन्वे कराता है डी के पास और डी वो मैसेज लेके जाता है और आगे सेल डिवीजन करवाता है जिसकी वजह से करेक्टर ट्रांसफ़र हो जाते हैं पेरेंट्स से उनकी ऑफ स्प्रिंग में अब हम लोग जब इसके आगे स्टडी करेंगे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे जब सेल डिवीज़न तब यहाँ पे ये चीज़ें और डिटेल में समझ में आएंगी फिर इसका एक पार्ट और होता है क्रोमेटीन मटीरियल इंटरविंड मास ऑफ थ्रेड इंटरविंड मास ऑफ थ्रेड मतलब एक कंबाइंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सा दिखाई देता है थ्रेड का उसी को कहा जाता है क्रोमेटीन मटेरियल और ये क्रोमेटीन मटेरियल जब सेल डिवीज़न का टाइम आएगा तो ये रॉड शेप में कन्वर्ट हो जाता है तब इसको कहा जाता है क्रोमोजोम ओके okay? तो इस तरह से न्यूक्लियस में फोर पार्ट्स दिखाई दिए न्यूक्लियर इन्वेलप न्यूक्लियोप्लाज न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटीन मटेरियल ओके अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ लेते हैं इसका डिटेल स्ट्रक्चर तो इसके डिटेल स्ट्रक्चर में आपको भी दिख रहा है सबसे पहले इसका आउटर मेम्ब्रेन जिसको नाम दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब जो यहाँ यहाँ पे ये इस तरह से कर्व वाले स्ट्रक्चर हैं इसी को कहा जाता है इन्वेलप और दो कर्व के बीच में जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर और ये यहाँ पर डेंस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है इंटरविंड फॉर्म में इसको कहते हैं क्रोमेटीन और ये इसका जो ब्लूइश पार्ट में दिखाई दे रहा है ये है इनका न्यूक्लियोलस तो न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होगा आर और जो क्रोमेटीन है यहाँ पे प्रेजेंट होगा डीएनए और क्रोमेटीन और न्यूक्लियोलस दोनों ही इनके साथ प्रोटीन को भी अपने अंदर रखते हैं ओके अब हम लोग लास्ट पार्ट में पढ़ लेते हैं न्यूक्लियस का फंक्शन तो न्यूक्लियस कई सारे फंक्शन परफॉर्म कराता है और सेंट्रल पार्ट होता है कंट्रोलिंग ऑर्गेनेल होता है तो इसलिए ये बहुत सारी एक्टिविटी को हेल्प करवाने में या मेनली कह सकते हैं कि इसकी वजह से बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है सेल के अंदर जैसे फर्स्ट लिखा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लिखा है इसका मतलब ये होता है कि ये जेनेटिक मटेरियल कंटेन कर रहा था तो आपको बताया कि मेनली यहाँ पे डीएनए होता है और जिसकी वजह से कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है पेरेंट्स से उसकी ऑफ स्प्रिंग में इसलिए यहाँ पे लिखा है जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेकेंड लिखा है इसका फंक्शन कंट्रोल सेंटर कंट्रोल सेंटर मतलब ये कंट्रोलिंग ऑर्गेनल ऑफ सेल है और ये सारी एक्टिविटी जैसे कि सेल की मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है इसीलिए यहाँ पे लिखा है कंट्रोल सेंटर ओके फिर नेक्स्ट फंक्शन में राइबोसोम्स लिखा है जो न्यूक्लियोलस का पार्ट होता है अभी आपको बताया कि वो प्रोटीन रखता है प्रोटीन किससे बनता है मेनली जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं ठीक है इसीलिए यहाँ पे राइबोसोम्स मेंशन किया गया है नेक्स्ट लिखा गया है डिवीज़न इस डिवीज़न का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस होता है वही सेल को डिवीज़न करवाता है और सेल में जितनी बार डिवीज़न होगी उतनी उसकी सेल की ऑर्गेनिज़्म की ग्रोथ होती है ओके ये हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे सेल डिवीजन वाले सेक्शन में इसके बाद लास्ट इसका फंक्शन लिखा है वेरिएशन वेरिएशन इसका मतलब ये होता है कि जब हमारे दो डीएनए मिलके एक नया डीएनए बनाते हैं जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ईसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे मदर और फादर के डीएनए मिलके एक नया डीएनए स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स की रीसफलिंग हो जाती है और रीसफलिंग होने की वजह से उनके जो जीन्स होते हैं उनमें भी कुछ चेंजेस आते हैं जीन में चेंजेस आने का मतलब दोनों के जीन्स कुछ कंबाइंड किए कुछ के वहाँ पे छूट गए जिसकी वजह से जो नई प्रोजेनी या उनके न्यू बेबी आएंगे वहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स कुछ तो अपने पेरेंट्स से मिलेंगे और कुछ वहाँ पर डिफ़र होंगे इसी को कहा गया है वेरिएशन ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ नेक्स्ट इन नेक्स्ट डे वी स्टार्ट न्यू टॉपिक थैंक यू